लेकिन बेटा आवाज आ रही है। यस मैम, यस बेटा स्क्रीन शेयर देख सकते हैं आप सब। मैम, यस मैम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्किन इंफेक्शंस। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वेरियस स्किन इंफेक्शंस कॉज करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन इंफेक्शंस। इंटेलिमेंट्री सिस्टम सिस्टम में डर्माटोलॉजी में हम आज स्किन इंफेक्शंस पढ़ेंगे। स्किन इंफेक्शंस कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स। ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन कॉज द स्किन इंफेक्शंस। तो सबसे पहले उसमें हम सेलुलाइटिस पढ़ेंगे। सेलुलाइटिस सेल मीन सेल ऑफ अ बॉडी, सेल ऑफ द स्किन एंड आइटिस मीन इंफ्लेमेशन। सो इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ स्किन। सेलुलाइटिस इज द इंफ्लेमेशन ऑफ स्किन। इट इज अ सीरियस काइंड ऑफ अ डिजीज। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। It should be, if you diagnose cellulitis, urgent attention should be paid toward the disease. और इसकी रीजन क्या है कि इट कैन प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। ये जब स्टार्ट होता है और ये कहाँ कहाँ पे होता है, मोस्टली ये एक्सट्रीमिटीज में, जिसमें कि लेग्स, फुट और लोअर लेग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फुट और लोअर लेग, राइट और लेफ्ट, सबसे ज्यादा ये बॉडी पार्ट जो है एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि फुट और लेग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फेस या स्कैल्प को भी ये कंडीशन सेलुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन कैन इन्वॉल्व द फेस, स्कैल्प एंड ज्यादातर ये फुट और लोअर लेग को इन्वॉल्व करता है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इट कैन प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। ये जब आता है तो ये जल्दी से प्रोग्रेस करके बाकी ऑर्गन को, बाकी सारी एक्सट्रीमिटी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए एज सून एज यू सी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेलुलाइटिस, यू शुड सॉर्ट अर्जेंट मेडिकल केयर सो दैट अर्जेंट ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड बिफोर द प्रोग्रेशन ऑफ सेलुलाइटिस, क्योंकि इसकी प्रोग्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, द इन्वॉल्व limb or foot will be red, hot, tender, swollen, erythematous. आगे हम picture देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे। और जो है वो infected part जो है, infected extremity जो है, involved extremity जो है, that will be hot as compared to the normal skin. इसकी जो overlying skin होगी cellulitis में, that will be hot. Tender का क्या मतलब होता है कि painful on touch. जब हाथ लगाते हैं, पल्पेट करते हैं, तो जो एरिया जहाँ पे पेन होती है उसको कहते हैं कि ये टेंडरनेस इज पॉजिटिव। सो पेन तो स्पॉन्टेनियस होती है और टेंडरनेस क्या है, पेन ऑन टच, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। सो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अर्जेंटली स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत रैपिड होता है एंड इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट कैन रिजल्ट इनटू एम्प्यूटेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लिम्ब। यहाँ तक बात जा सकती है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल केयर शुड बी सॉर्ट अर्ली। अब हम इसको देखते हैं कि देखने में किस तरह का नजर आता है। डिफरेंट बैक्टीरिया कॉज दिस इन्फेक्शन, जिसमें स्टेफोरियस है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, और जो है स्ट्रेप पायोजिनीज है। दीज आर सम ऑफ द बैक्टीरिया, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच कैन कॉज द कंडीशन ऑफ सेलुलाइटिस। तो इन्वॉल्व जो अगर ये आपसे कहे व्हाट इज सेलुलाइटिस, तो आप कहेंगे इट इज द इंफेक्शन, एक्यूट इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये है क्या, इंफेक्शन है और एक्यूट इंफेक्शन है या क्रॉनिक, एक्यूट इंफेक्शन है यानी कि एक दो तीन दिन की हिस्ट्री है, इससे ज्यादा नहीं, तो छह माह पुरानी, कोई एक माह पुरानी हिस्ट्री नहीं है। प्रोलॉन्ग किस्म की डिजीज जो बहुत देर से है उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक। जैसे ट्यूबरक्लोसिस इज द क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, पीछे हमने काफी सारी क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ी। तो ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन। हिस्ट्री जो है वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, सम आवर्स की होगी या एक दो दिन की होगी, ठीक है। सो इट्स एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमें मिलेगा, रेडनेस, टेंडरनेस, वार्मथ एंड एडिमेटस स्किन। रेडनेस, टेंडरनेस, वार्मथ एंड एडिमेटस स्किन, इस तरह से you can clearly see the difference between a normal extremity foot and lower leg and a foot and extremity foot and lower leg suffering from cellulitis. So is tarah se isme redness hogi, tenderness hogi, pain hogi, swelling hoga and temperature of the overlying skin will be more as compared to
नॉर्मल स्किन. नॉर्मल लिम का टेम्परेचर अगर आप देखें तो वो कम होगा, और अफेक्टेड लिम का अगर आप देखें क्योंकि इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन के अलावा हाइपरीमिया है, इन्फ्लेमेशन है, ऐसी जगह पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा हुई भी होती है. तो इन्फेक्शन की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से टेम्परेचर इसका अफेक्टेड लिम का रेज होता है. ठीक है, तो क्या होगा, रेडनेस, टेंडरनेस, बॉम, पेन, और जो है टेम्परेचर ऑफ द ओवरलाइंग स्किन विल बी मोर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लिम. इसके अलावा वेयर देयर इज इन्फेक्शन देयर इज फीवर. Where there is infection, there is fever. जब भी patient fever के साथ हमारे पास आता है, we have to take history to find out the cause, to find out the focus of infection. Either it is viral, bacterial, parasitic, fungal. हमें focus of infection ढूंढना होता है. Where there is infection, there is fever. तो चूंकि ये skin और underlying connective tissue का bacterial infection है, तो इस वजह से इसमें हमें abscesses भी मिल सकते हैं. एक central abscess हो सकता है या डिफरेंट छोटे छोटे एब्सेसेस हमें मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस फॉर्मेशन हो सकती है, और पस विल बी कलेक्टेड इनटू अ कैविटी, तो एब्सेस फॉर्मेशन भी इसके साथ हमें मिल सकती है सेलुलाइटिस से अफेक्टेड लिम में. तो मेडिकल इमरजेंसी है, जल्दी ट्रीट करना चाहिए. इसके अलावा ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो थे लोकल. फीवर था सिस्टेमिक सिम्टम्स. मजीद सिस्टेमिक सिम्टम्स क्या है फीवर के अलावा, मलेज, फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, पेशेंट खुद को बीमार महसूस करता है, हेल्दी महसूस नहीं करता, हेल्दी फीलिंग नहीं होती पेशेंट को, दैट इज कॉल्ड मलेज. चिल्स, ठीक है, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट एंड लो ब्लड प्रेशर, ये किसी भी इंफेक्शन के सिस्टेमिक सिम्टम, किसी भी सिवियर इंफेक्शन के सिस्टेमिक सिम्टम्स हो सकते हैं. सो सिस्टेमिक सिम्टम विल बी फीवर, मलेज, चिल्स, टैकीकार्डिया एंड लो ब्लड प्रेशर. बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहले मैंने आपको बताया स्टेफ ऑरियस, स्टेफ पायोजिनीज एंड बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, दे कैन बी सम ऑफ द एग्जांपल्स. और भी बैक्टीरिया है, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसको कॉज करती है. कौन से लोग हैं विच आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सेलुलाइटिस, किन लोगों में सेलुलाइटिस होने का रिस्क ज्यादा है, तो एज के साथ इसका रिस्क बढ़ता है, एज के साथ इसका रिस्क जो है वो बढ़ता है. और जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिन पेशेंट को एच आई वी इन्फेक्शन होता है वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और जिन पेशेंट को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है या कैंसर के पेशेंट होते हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं. कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो है वो इम्यूनिटी को कम करती हैं, आपको पता है WBC की कमी करती हैं इस तरह. तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज, डायबिटीज के पेशेंट्स, कीमोथेरेपी जिनको मिल रही है, कैंसर के पेशेंट, एच आई वी के पेशेंट, ये सारे जो पेशेंट्स हैं, किसी भी वजह से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, पेशेंट ऑलरेडी वीक है, उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, तो फिर इन सारी चीजों में पेशेंट विल बी एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेलुलाइटिस. ये मैंने आपको पहले बताया, स्कैल्प पे होता है, फेस पे होता है, पेरिनियल एरिया पे भी हो सकता है, और मेल एंड फीमेल को इक्वली ये डिजीज अफेक्ट करती है, देयर इज नो जेंडर प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है. और ओल्डर एडल्ट्स में, मिडिल एज या ओल्डर एडल्ट्स में, जैसे जैसे एज बढ़ती है रिस्क ऑफ सेलुलाइटिस इंक्रीजेस. सो जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है उनमें सेलुलाइटिस डेवलप होने का चांस ज्यादा होता है. ट्रीटमेंट क्या है कि अफेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन, शॉर्ट अर्जेंट मेडिकल केयर, और अफेक्टेड लिम जो है उसको एलिवेटेड रखते हैं ताकि उसमें जो इंक्रीज ब्लड सप्लाई है वो सब चीजें जो है एडिमा और स्वेलिंग इसकी सेटल हो, और एंटीबायोटिक शुरू कराते हैं, और 2 वीक्स तक एंटीबायोटिक कवर जो है वो देना पड़ सकता है पेशेंट को टू ट्रीट द कंडीशन. तो ये इसका ट्रीटमेंट है. हम इतने क्यों परेशान है सेलुलाइटिस के बारे में, हम कह रहे हैं अर्जेंट मेडिकल केयर शॉर्ट करनी चाहिए और ये वो, ये प्रोग्रेस बहुत जल्दी करता है. तो इसी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सेप्सिस. सेप्सिस का क्या मतलब होता है, डिसमिनेटेड इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है. तो सेप्सिस का क्या मतलब है, डिसमिनेटेड सिवियर इन्फेक्शन, ठीक है, इन्वॉल्विंग अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी को, पूरी बॉडी सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेता है सेप्सिस. इसका ट्रीटमेंट फिर इसको मल्टीपल ड्रग से, मल्टीपल एंटीबायोटिक से, 2 या 3 के कॉम्बिनेशन से इसको ट्रीट किया जाता है और इसका प्रोग्नोसिस बुरा है. डीवीटी, देखिए ओवरलेइंग स्किन की इंफेक्शन है, इंफ्लेमेशन है, तो ये इंफेक्शन इंफ्लेमेशन सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू डीप वेन्स में भी जा सकती है और वहां पे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कर सकती है. देयर कैन बी प्रोग्रेशन ऑफ सेलुलाइटिस, पांव पे हुआ था, अब लोअर लेग पे इन्वॉल्व कर लिया, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है. लोकल एब्सेसेस बन सकते हैं. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स,
inflammation of the superficial veins, either due to infection or some other cause, thrombophlebitis, infection of the superficial veins. Lymphangitis, जो उस एरिया की लिम्फ वेसल्स हैं उनका इंफेक्शन और इंफ्लेमेशन और फाइनली एम्प्यूटेशन. व्हाट इज एम्प्यूटेशन? सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ बॉडी पार्ट. इन दिस केस लिम्फ की एम्प्यूटेशन करनी पड़ सकती है अगर जो है वो मेडिकेशन से सेलुलाइटिस से जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो सेप्सिस से बचाने के लिए और डेथ से बचाने के लिए एम्प्यूटेशन का डिसीजन भी लेना पड़ सकता है. सो सेलुलाइटिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड वी शुड सॉर्ट मेडिकल केयर करनी. नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शन है इम्पिटाइटिस. ये एक ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जो सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है. ये बच्चों में होता है और ये हाईली कॉन्टेजियस है और ये एक से दूसरे बच्चों को या दूसरे फैमिली मेंबर्स को बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है. ये हाईली कॉन्टेजियस है और इसमें जो है फ्लूइड फिल्ड छोटे छोटे ब्लिस्टर बनते हैं. मैम किसी भी पार्ट पे बन सकते हैं लेकिन ज्यादातर ये फेस पे बनते हैं. जी बेटा. जी बेटा. मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है. ओके मैं देखती हूँ. जैसे बहुत दूर खड़े से आ रही है, काफी दूर से खड़े होके जो पढ़ा रहे इसको रोको. लोगों को नहीं आ रही है? व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? मैम ठीक आ रही है. ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दूर से पढ़ा रही है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. सही आ रही है मुझे, तक आ रही. मैं दूर बैठू. मसाइल आप खुद हल कर ले प्लीज. मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 100% कर दिया, थोड़ा काम था. अच्छा जी, इम्पिटाइगो. इम्पिटाइगो कॉमन इन चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चों में होता है और इसमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बनते हैं. ज्यादातर इन्वॉल्व करता है फेस को लेकिन अदर बॉडी पार्ट पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होता है फेस पे. और ये जो है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, अपर लिप्स का जो एरिया है उसको डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कहते हैं. सारे एरिया को डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो शेयर होती है इंट्राक्रेनियल साइनसिस के साथ, उसके कनेक्शन जुड़ते हैं. ठीक है, साइनसिस होते हैं, कनेक्शन होते हैं इंट्राक्रेनियल. हमारे ब्रेन के अंदर जो वीनस साइनसिस है उनके साथ इस एरिया के कनेक्शन होते हैं. इसलिए इसे कहते हैं डेंजरस एरिया ऑफ द फेस. यहाँ होने वाला इन्फेक्शन जो है वो वहां ट्रांसमिट हो सकता है, देयर इज अ रिस्क. सो बच्चों में होता है फ्लूइड ब्लिस्टर बनते हैं. फिर क्या होता है कि वो जो ब्लिस्टर्स हैं वो बीप पर जाते हैं, उनसे फ्लूइड निकलता है, बाहर क्रस्ट बनते हैं जिनको हम कहते हैं हनी कलर्ड क्रस्ट. सो जहां भी हनी कलर्ड क्रस्ट का जिक्र आए आपके समझ आना है कि इम्पिटाइगो की बात हो रही है. ठीक है, और इसमें लिम्फ नोड्स नेक में स्वोलन मिल सकते हैं, बड़े में हो या बच्चों में हो. ज्यादातर बच्चों में होता है स्वोलन लिम्फ नोड्स हमें नेक में. इसकी वजह से इन्फेक्शन है ना, स्टेफ ऑरियस ने या अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने किया है और इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से स्वोलन लिम्फ नोड्स हमें नेक में स्वोलन लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं. ठीक है, इस तरह का ये देखने में आएगा इम्पिटाइगो. इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस ओनली, कोई अंदर डीप इन्फेक्शन नहीं होता. एपिडर्मिस का इन्फेक्शन होता है, हाईली कंटेजियस होता है. फेस इसमें रेड कलर का हो जाता है और हनी क्रस्टेड जो है लीन्स हमें मिलते हैं. हाईली कंटेजियस है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और सुपरफिशियल स्किन को यानी डर्मिस एपिडर्मिस को only epidermis को involve करता है. it can be of two types, non-bullous and bullous. अब तक हमें पता है कि bullous, bulla का क्या मतलब होता है? ठीक है, bulla का मतलब है कि ऐसा fluid filled vesicle जो 0.5 centimeter से ज्यादा हो, 0.5 centimeter यानी half a centimeter से बड़ा जो fluid filled vesicle होता है, half a centimeter से बड़ा जो fluid filled vesicle होता है उसको हम bulla बोलते हैं. so it can be non-bullous जिसमें छोटे छोटे घर में, तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाएंगे. और अगर घर में ज्यादा लोगों को है, ज्यादा एरिया फेस का इन्वॉल्व किया हुआ है, तो चाहे नॉन बुलस ही है
उसको हम ओरल एंटीबायोटिक यानी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे आईवी या ओरल, और बुला सल्फेटाइड जो है तो उसको भी हम आईवी या ओरल एंटीबायोटिक देंगे. सो दिस वाज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्टाइगो. ठीक है, और बच्चे जो है वो अपनी स्क्रैचेस करते हैं अपनी स्किन के ऊपर जो कि ट्रॉमा की वजह से, फिर बैक्टीरिया जो है इन्वेड कर लेते हैं ट्रॉमाटाइज स्किन को या किसी भी वजह से. ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसमें क्या है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इनफ होती है फॉर सिंगल लेयर्स एंड फॉर नॉन बुलस इंफेक्टाइगो या जहां स्मॉल एरियाज इन्वॉल्व होते हैं वहां पे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर इनफ. बट सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट. नॉन बुलस इंफेक्टाइगो जब एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व करता है, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करता है या बुलस इंफेक्टाइगो होता है, तो फिर हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक चाहिए. सिस्टेमिक का क्या मतलब है, ओरल या आईवी. नेक्स्ट हम जो इन्फेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉयल या फ्लूरंकल. जिस तरह हमने पिंपल्स पढ़े थे थोड़ा सा ये उसी तरह का इन्फेक्शन है. ये क्या है, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ अ हेयर फॉलिकल. इट इज द इन्फेक्शन ऑफ अ हेयर फॉलिकल. आप इसको बॉयल भी कह सकते हैं, आप इसको फ्लूरंकल भी कह सकते हैं, पंजाबी में इसको खिंसी कहते हैं. ठीक है, तो एक हेयर फॉलिकल का ये इन्फेक्शन है तो फिर जाहिर सी बात है कि हेयर बेयरिंग एरिया के ऊपर होगा, फेस पे बनते हैं, नेक पे बनते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट पे बन सकते हैं. तो इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ अ हेयर फॉलिकल. ये भी स्टेफ ऑरियस की वजह से बनता है, इसलिए इसको स्टेफ इन्फेक्शन भी कहते हैं. ज्यादातर फेस और नेक को इन्वॉल्व करता है लेकिन किसी भी बॉडी पार्ट पे बन सकता है. हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होती है और फिर WBCs और बैक्टीरिया के दरमियान फाइट होती है जिससे पस बनती है. पस दरमियान में गैदर हो जाती है और फिर ये रक्चर करता है, पस निकलती है, काफी पेनफुल होता है. और ये हमारी ईयर किनाल में भी बन सकता है, वहां पे भी तो हेयर है ना, ईयर किनाल में भी. यहाँ पे ईयर किनाल में अगर बनता है तो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि ये कार्टिलेज है, इसमें कोई फैट नहीं है जहाँ पे एडिमा एकोमोडेट हो सके. ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे फैट नहीं होती वहां पे जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज्यादा पेनफुल होते हैं बिकॉज की इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन और एडिमा को जगह नहीं मिलती, तो इसलिए जो है वो दैट इज मोर पेनफुल. जहाँ फैट होती है अंडरलाइन वहां पे इन्फेक्शन कम पेनफुल होती है. एनी हाउ बॉयल, तो फिर रप्चर जब करता है तो उससे पहले पेन सबसे ज्यादा होती है, और जब रप्चर करता है तो पेन जो है वो सबसाइड होती है. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकल इन्फेक्शन जो आपको सामने नजर आ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोकल ट्रीटमेंट उसका बहुत ज्यादा करें. ठीक है, पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट है, फ्यूसिडिन ऑइंटमेंट है, कैनाकॉम्ब ऑइंटमेंट है जिसमें कॉम्बिनेशन एंटीफंगल के साथ भी है. क्योंकि ये जो फॉलिकुलाइटिस है या ये जो बॉयल है इट कैन बी ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन एज वेल. ठीक है, ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल की वजह से बनते हैं. तो जब हमें सामने अपना प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो हम उसको दिन में 4-5 मरतबा कोई भी टॉपिकल एंटीबायोटिक या आयोडीन या स्पिरिट से बार बार उसको साफ करें. ठीक है, हल्का सा रब करें या साफ करें तो उससे वो ठीक हो जाएगा. कहने का मकसद ये कि लोकल ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, अप्लाई वार्म कंप्रेसेस एंड सोप द बॉयल इन वार्म वाटर, यानी कि उसकी हाइजीन का ख्याल रखें, इससे पेन भी बेहतर होगी वार्म कंप्रेसेस से. और जब भी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए तो एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करें या इसको स्पिरिट से साफ करें. और इसको कुछ लोग हैं जो नीडल से इसको पोक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नीडल इन्फेक्टेड हो सकती है और वो मजीद इन्फेक्शन उससे खराब हो सकता है. नेक्स्ट हमारा जो इन्फेक्शन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेप्रोसी. वो है लेप्रोसी. लेप्रोसी इज कॉल्ड बर्स, बे रे स्वाद बर्स. बर्स कहते हैं इसको उर्दू में और कोड कहते हैं इसको पंजाबी में. पंजाबी में इसको कोड का बर्स कहते हैं, उर्दू में इसको बर्स कहते हैं और इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं. इट इज अ क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री. जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम टीबी, इसी तरह लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री. ये भी एक एसिड फास्ट बैसिलस है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. एसिड फास्ट रॉड शेप बैसिलस है. और ये किन किन एरियाज को इन्फेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से पेशेंट के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये ट्रांसमिट होता है. और ये जब एक पेशेंट से दूसरे को जाता है ये कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, ये
इट अफेक्ट्स द नर्व्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, जो हमारे लिम्स की एक्सट्रीमिटीज की नर्व्स हैं, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज के मसल्स को सप्लाई कर रही है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन जाते हैं। जब ऐसा होता है, जब ये एक्सट्रीमिटीज की नर्व्स को इन्फेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली नर्व्स किसे कंट्रोल करिए, मसल्स को, तो मसल वीकनेस होगी, और ट्रीटमेंट अगर नहीं होगा तो डिसेबिलिटी, मजबूर हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, एक नर्व्स का इन्फेक्शन है, और वो भी कितना क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फर्स्ट देयर विल बी मसल वीकनेस एंड फाइनली देयर कैन बी डिसेबिलिटी, मजबूरी हो सकती है इसकी वजह से। और ये नर्व्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज की वजह के अलावा स्किन को, आईज को, ठीक है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा को, नोज के म्यूकोजा को इन्फेक्ट करता है। तो ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, म्यूकोजा ऑफ दी नोज को, म्यूकोजा ऑफ दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, नर्व्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज को। ये बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम लेपरी का इन्फेक्शन इन जगहों पे होगा, जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। इट्स अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लेपरी इज द कॉज, जो कि माइकोबैक्टीरियम टीबी की तरह एक माइकोबैक्टीरियम है, और ये एसिड फास्ट है और रॉड शेप बैसिलस है, और ये स्किन, पेरिफेरल नर्व, म्यूकोजा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, म्यूकोजा ऑफ द नोज को, और स्किन को, और आईज को ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होंगे, मैंने आपसे कहा कि ये नर्व्स को इन्फेक्ट करता है, तो नर्व्स नहीं तो मसल्स को कंट्रोल करना है, सारे सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो वी फील नंबनेस एंड लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन। तो जो फर्स्ट सिम्टम्स आएंगे दैट विल बी नंबनेस एंड फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन, गर्म ठंडा नहीं लगेगा स्किन में। और नंबनेस का क्या मतलब होता है कि ऑल्टर्ड सेंसेशन, नंबनेस जैसे हम बर्फ लगाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो नंब हो जाती है, ऑल्टर्ड सेंसेशन, ऑल्टर्ड सेंसरी sensation that is called numbness and loss of temperature sensation हम feel करेंगे। और finally जब अगर disease को treat नहीं किया जाएगा, progress करेगी, तो आखिर में touch, फिर pain और deep pressure की भी जो sensation है, pain का pain sensation आमतौर पर सबसे end पे loss होती है, कि आप patient को painful stimulus देते हैं और उसको वो भी feel नहीं होता। तो सबसे पहले numbness and loss of temperature sensation आती है, उसके बाद फिर अगर treat नहीं किया जाए, disease progress करती रहे, तो टच, पेन और डीप प्रेशर की सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाती हैं। इसमें स्किन के ऊपर मैंने आपसे कहा कि ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, स्किन में हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स बनते हैं। अब तक आपको पता होना चाहिए कि हाइपोपिगमेंटेड का क्या मतलब है और मैक्यूल का क्या मतलब है, ठीक है। तो हाइपोपिगमेंटेड का मतलब है कि जो सराउंडिंग नॉर्मल स्किन है उसकी निस्बत इस लीजन का कलर जो है वो लाइटर होगा, हल्का होगा, वाइटिश होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हाइपोपिगमेंटेड, तो पिगमेंट इस एरिया में कम है, हाइपोपिगमेंटेड। मैक्यूल का क्या मतलब है, ऐसा लीजन जो फ्लैट है, जिसको हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, विच इज नॉट रेज्ड अबव द स्किन सरफेस एंड विच इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो उसको हम कहेंगे मैक्यूल, ठीक है। फ्लैट पेल एरियाज ऑफ द स्किन, इसको आप आसान जुबान में फ्लैट पेल एरियाज ऑफ द स्किन कह लें, और सही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप इसको हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स कह लें। आई डैमेज अगर करेगा तो ब्राइटनेस एंड रिड्यूस्ड ब्लिंकिंग एंड फाइनली ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अनट्रीटेड केसेस में। और इसके अलावा आगे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपसे कहा कि ये नर्व्स को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, सो इट कैन कॉज लार्ज अल्सरेशंस इनटू द स्किन, लॉस ऑफ डिजिट्स, फेशियल डिसफिगरमेंट, ठीक है। तो मॉडर्न ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और अगर ये फुट को इन्फेक्ट करेगा तो प्लांटर अल्सरेशन और फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप कैसे करेगा, मैंने आपसे कहा कि नर्व्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट करता है, तो जब लोअर लिम्ब की नर्व्स अफेक्ट होंगी तो इट कैन रिजल्ट इनटू फुट ड्रॉप, क्लॉइंग ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स। ये सारे इसके डर्मेटोलॉजी की मैनिफेस्टेशंस अलोंग विद इसकी नर्वस सिस्टम की मैनिफेस्टेशंस मिला के ये कॉम्प्लिकेशन आती है, ठीक है। नोज के म्यूकोजा को इन्फेक्ट किया हुआ, क्रॉनिक नेजल कंजेशन एंड एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नक्सीब फूटना, bleeding from the nose, epistaxis. Eyes में corneal insensitivity, reduced blinking, irritation, finally blindness. ये सब चीजें इस तरह की eyes patient की advanced untreated cases में आपको देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के loss of digits और chronic infections में ये picture देखने को मिल सकती है। इसकी बहुत varied appearance होती है, बहुत सारे body systems को, multiple body systems को ये इन्वॉल्व करता है। ट्रीटमेंट कैसे करना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि नर्व्स की जहाँ इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स देने होंगे। डेक्सॉन एंड रिफेम्पिसिन आर द टू एंटीबायोटिक्स, जो कि 6 माह से लेकर 1 साल तक
पेशेंट को देनी पड़ सकती है, क्रॉनिक डिजीज है ना, और इसको डिफिकल्ट ट्रीट है. टू इरेडिकेट द डिजीज फुली डेप्सॉन प्लस रिफेम्पिसिन अलॉन्ग विद द ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स 6 माह से लेके 1 साल तक ट्रीट किया जाएगा, तो ये इन्फेक्शन जो है वो ठीक होता है. बस थोड़ा सा रह गया, आगे हम पढ़ेंगे वेरी इंटरेस्टिंग पैरासिटिक स्किन इन्फेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेड लीस, सर की जुए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने भी, कोई कह सकता है कि मैंने ये कभी नहीं देखी और मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं रहा. जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और क्राउडेड लिविंग कंडीशन होती हैं, कोई भी बच्चा जो है वो या कोई भी बड़ा बाहर से इस मुसीबत को ला सकता है और घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है. तो हेड लीस जो है इनको ट्रीट करना इतना आसान है कि आपको बता नहीं सकती, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारी कम्युनिटी में मोस्टली 70-80-90% लोग जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं जानते. यहाँ तक कि बेचारा अगर कोई, एक तो इसको सोशल टैबू समझा जाता है कि हाय अब हम किसी से क्या पूछें कि बच्चों के सर में जुए हैं उनका क्या करें. तो भाई बात यह है कि जिस तरह कोई भी डिजीज होती है, इट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक डिजीज, अ पैरासिटिक इन्फेक्शन. ये पैरासाइट्स हैं जो हमारे और हमारे बच्चों के ब्लड पे फीड करते हैं. ठीक है, तो कपड़ों में भी हो सकती है, बॉडी के एरिया में भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो हेड के हेयर बड़े होते हैं तो, और खासतौर पर फीमेल्स बच्चियों के, तो उसमें फिर ये ज्यादा रहती हैं. तो हेड लीस कोई इनके जो है वो नहीं होते, विंग्स नहीं होते, सो दे डिपेंड अपॉन ह्यूमंस ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है. ठीक है, थोड़ी बहुत तो किसी बिस्तर पे या किसी चीज पे उस तरह से भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है. और व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स इनके एग्स होते हैं, जिससे फिर इनके न्यू बेबी बॉर्न होते हैं और फिर ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है. इनको ट्रीट करना बेइंतहा आसान है. साइन एंड सिम्टम्स ऑब्वियसली क्या होंगे, बच्चा बेचारा सर खुजाता है, रात को रोता है, सो नहीं पाता और माँ कहती है कि मुझे तंग ही बड़ा करता है भाई, उसके सर में जुए हैं, गरीब इंसान के वो बेचारा कैसे सोए और कहाँ जाए क्या करे. तो बच्चा सो नहीं सकता, बहुत स्क्रैच जब करता है तो उसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसकी स्कैल्प में डिवेलप हो जाता है, जिससे और पेनफुल और पिक्चर भी और जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है. और उसके ऊपर फिर ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट भी एंटी बैक्टीरियल लगाने पड़ सकते हैं. इरिटेबिलिटी, कोई चीज चल रही है, ठीक है, इसके अलावा जब बच्चा उसको स्क्रैच करेगा तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर. इसके अलावा हेड लीस के जो एग्स हैं वो हमें नजर आ सकते हैं डिफरेंट घर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या हेयर के ऊपर. तो ये जो सारी इसकी जो है वो थियोरेटिकल ट्रीटमेंट लिखी गई है, लेकिन जो मैं आपको आज इसकी ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ बिल्कुल 100% इफेक्टिव, वो है कूपेक्स एंटी लाइस लोशन. कूपेक्स एंटी लाइस लोशन, जिन लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम है, ये चीज उनके घर को जहन्नुम से जन्नत बना सकती है. वो कैसे कि ये कोई 20-30 ml पानी जैसा फ्लूइड होता है, ब्राउन कलर की शीशे की बॉटल होती है, उसमें ये आता है कूपेक्स एंटी लाइस लोशन. चेन फार्मेसीज पर इजिली अवेलेबल है. इसको आपने किसी स्प्रे बॉटल में डाल के या ना भी डाल के, वैसे ही बच्चे की बस आंखों में नहीं जाना चाहिए, एक ही एहतियात है, ओनली वन प्रिकॉशन, दैट अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, बस इसके अलावा कोई प्रिकॉशन नहीं है. आप उसके सारे बालों में लगाएं, अगर बच्ची के बाल लंबे हैं तो 2 बॉटल्स भी लग सकती हैं, अगर लड़का है तो आधी बॉटल भी लग सकती है. वो आपको देखेंगे सारे बाल जो है वो कवर हो जाने चाहिए. 100% इफेक्टिव है सिंगल एप्लीकेशन. लेकिन बात क्या है कि पैरासिटिक डिजीज को सारे लोगों में एक ही दफा आपने ट्रीट करना होता है. ये नहीं कि आपने एक बच्चे को ट्रीट कर दिया बाकी वैसे ही अपनी से उसको दोबारा कर दी, नहीं. जितने भी घर में अफेक्टेड पर्सन हैं वो सब एक ही टाइम पे लगाएंगे. अगर तो मॉडरेट प्रॉब्लम है, सिंगल एप्लीकेशन इज इनफ. बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है. कुछ लोगों को ये बहुत सीवियर इशू होता है, तो उनके लिए ये है कि वो एक हफ्ते में एक मरतबा लगाए वीकली एप्लीकेशन, 3-4 एप्लीकेशन में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो बाकी चीजें तो मैंने इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू भी इफेक्टिव है, ये जो है लोग जो इस्तेमाल करते हैं इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, लिंडेन शैम्पू, बंजाइल एल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाटएवर. लेकिन ये जो चीज है ये बहुत सारे पेशेंट्स में आई फाउंड इट वेरी इफेक्टिव इन माय ओन हाउस एज वेल, कूपेक्स एंटीलाइज लोशन. तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत इफेक्टिव मैंने इसको पाया. तो जो है वो उसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं बेड बग्स, यानी कि खटमल. तो इनका क्या होता है कि ये बेड लिनन में होते हैं, 1-7 ml इनका जो है वो
लेंथ इनकी हो सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है बट इट इज वेरी वेरी अनोइंग. जहां पे भी काटती है वहां पे एलर्जिक रिएक्शन जो होता है सीवियर इचिंग होती है, 2 हफ्ते तक लग जाते हैं उस लीयल को ठीक होने में. तो इसका इलाज क्या है कि बेड लिनन को सारी को खोलते हुए पानी में डाल के तो उसको वॉश किया जाए, धूप में लगवाई जाए ताकि जो है वो इनसे जान सके. कभी आप नए घर में जो है वो जाए तो या फिर कोई मतलब जो आर्मी की तरफ से घर मिलते हैं ये वो ऑलरेडी जो फर्निश्ड वगैरह होते हैं तो इन जगहों पे या हॉस्पिटल में आपने जरूर आप याद करें कि हॉस्पिटल के किसी बेड पे आप बैठ गए, खासतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, या किसी चेयर पे आप बैठ गए तो फिर आपके साथ क्या होता है तो वो खटमल है, बेड बग्स. ट्रीटमेंट इसकी वही है, एंटी एज क्रीम अगर लगाएंगे तो नहीं काटेंगे, एंटी हिस्टामिन क्रीम लगाई जा सकती है टू रिड्यूस इचिंग एंड बर्निंग, आइस पैक से इसका जो लीयल है उसको हम नम कर सकते हैं तो अर्ज टू स्क्रैच कम हो जाएगी. एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि हम स्क्रैच करते हैं ना तो हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देते हैं. ठीक है, लास्ट डिजीज व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज स्केबीज, खारिश, खारिश की बीमारी. और आप अपनी किसी भी मेड से पूछें कि आपकी फैमिली में किसी को खारिश है, वो कहेगी हाँ जी. और आप कहेंगे आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं तो वो आपको कहेंगी वो गंदा पानी का जोहड़ होता है ना उसमें जाकर फिर हम नहाते हैं तो उससे ठीक होता है. अब मुझे बताएं कि पहले ही एक पैरासाइट है जो कि ऐसे ही किसी जगह से ट्रांसमिट हुआ है, उसको गंदे पानी के जोहर में नहाएंगे तो स्किन का और उस पैरासाइट को मजीद और अपनी सहेलियां और दोस्त मिल जाएंगे वहां से गंदे पानी के जोहर से, तो वो कैसे ठीक होगी इससे. तो ये हमारी सोसाइटी में मिथ्स है जिनको आप जो है वो कम अज कम अपने लेवल पे कवर कर सकते हैं. स्केबीज इज अ स्किन इन्फेस्टेशन, पैरासाइट जब आता है स्किन को इन्फेक्ट करता है या किसी भी बॉडी पार्ट को तो हम उसे इन्फेक्शन नहीं कहते, आइडियली स्पीकिंग हम उसे कहते हैं इन्फेस्टेशन. सो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है और पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है. ठीक है, तो स्केबीज इज अ स्किन इन्फेस्टेशन व्हिच इज कॉज्ड बाय अ माइट, अ पैरासाइट जिसका नाम है सार्कोप्टिस स्केबियल. स्केबीज एक माइट है, एक बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिकली नजर आने वाला कीड़ा है समझ लें, एक पैरासाइट है जिसका नाम है सार्कोप्टिस स्केबियल जिसको इच माइट भी कहते हैं. और ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन होती है. माइक्रोस्कोप के अंदर इसके एग्स भी नजर आ सकते हैं. स्किन से हम स्क्रैपिंग्स लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करें तो हमें माइट भी नजर आ सकती है और इसके एग्स भी नजर आ सकते हैं. और ये महीनों तक हमारी स्किन के ऊपर रह के इन्फेक्शन रख सकती है. और स्किन के अंदर ये बरोस बनाती है खास तौर पे इंटर डिजिटल स्पेसेस में, पेरिनियल एरिया पे, रिस्ट पे और जो बॉडी फोल्ड होते हैं वहां पे नेक में, तो ये बरोज बनाती है यानी फंदकें होती है स्किन के अंदर. ठीक है, और उसके अंदर ये रहती है, उसके अंदर एग्स ले करती है जिससे फिर नए माइट बनते हैं. और ये सारे जो काम कर रही है इच माइट तो इससे सीवियर इचिंग होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा खारिश करता है जिसकी वजह से उसकी स्किन डैमेज होती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और पिक्चर जो है बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलती है स्किन के. ठीक है, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन है, पुअर हाइजीन है. देखिए अगर कोई बंदा अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखेगा, साबुन से मल मल के नहाता ही रहेगा, रोजाना नहाएगा, उसे कैसे स्केबीज होगी. बहुत मुश्किल है कि उसको स्किन के इन्फेक्शन हों जो बंदा जो है वो रोजाना अच्छा अपनी हाइजीन एक बहुत अच्छा बात हाफ एन आवर का लोग एक एक घंटे का भी लेते हैं वो लेगा तो उसको स्किन इन्फेक्शन ऑब्वियसली होने के चांसेस बहुत कम है. जब वो स्किन को मल मल के साबुन से धोएगा तो सफाई इसकी मान है. तो पुअर हाइजीन प्रीडिस्पोजेस टू द कंडीशन. डे केयर, बच्चों को हम डे केयर में छोड़ते हैं स्कूलों से, और इम्यूनो सप्रेस के पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट या डायबिटीज के पेशेंट, दे आर ग्रेटर रिस्क. इचिंग होगी बहुत ज्यादा, हाईली कॉन्टेजियस, बहुत जल्दी एक से दूसरे पेशेंट को लगती है, और सार्कोप्टिस केबीआई माइट जिसकी वजह से ये कॉज होती है. ठीक है, कॉमन है इन यंग एडल्ट और जो है विंटर में ज्यादा कॉमन है. डेवलप कंट्रीज में भी हाइजीन की तो उन लोगों का भी नहाने का जरा रेशो कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो इस वजह से और ओवर क्राउडेड कंडीशन में हॉस्टल्स में ज्यादा ये ट्रांसमिट हो सकती है और स्किन टू स्किन ही ज्यादातर जो है वो ट्रांसमिशन होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा खारिश वाले, प्रूरिटिक का मतलब जिसके ऊपर खारिश बहुत ज्यादा होती है, प्रूरिटिक, प्रूराइटस खारिश, प्रूराइटस जो है खारिश का साइंटिफिक नेम प्रूराइटस है, प्रूरिटिक लीयल्स, खारिश वाले लीयल्स विद एरिथेमेटस यानी रेड पेप्यूल्स एंड बरोज इन द वेब स्पेसेस बेस्ट बेसलाइन रिस्ट्स एंड जेनिटल्स, इन एरियाज में ये बरोज बनाएगी.
खंडकी हो देगी ये माइट जो है स्किन के अंडरलाइंग स्किन के अंदर जो है वो रहेगी। तो ये जो स्किन रैश होता है इसके अलावा पेशेंट इसको बहुत ज्यादा स्क्रैच करता है, तो सीवियर इचिंग की वजह से पेशेंट इसको स्क्रैच करता है जिसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। तो ये भी स्केबीज है, ये भी स्केबीज है, और ये देखिए यहाँ हो गया है खारिश कर करके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पेशेंट ने बहुत स्क्रैच किया है, स्किन के डिफेंस मैकेनिज्म टूट गए, बैक्टीरिया तो ऊपर ही पड़े हुए थे, उन्होंने इन्फेक्ट किया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ये भी स्केबीज, लेकिन कितनी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, ये भी स्केबीज है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? परमेथ्रिन क्रीम 5%, एलीवाइट के नाम से आती है, लिंडेन लोशन, प्रोटामिटोन, और आइवरमेक्टिन इज द ओरल टेबलेट, आइवरमेक्टिन जो अभी कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी काफी इफेक्टिव पाई गई है, 6 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, मैक्टीमाइट और बहुत सारे नामों से आती है, आइवरमेक्टिन 6 mg टेबलेट होती है, और कोरोना में इसको शुरू में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स फीवर के डे 1 पे 2 टेबलेट, डे 2 पे 2 टेबलेट, डे 3 पे 2 टेबलेट, 3 डेज के लिए 2 टेबलेट ओडी यानी 2 टेबलेट्स एक मरतबा 3 दिन देते हैं, 1, 2, 3, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 2 गोलियां 2 गोलियां 2 गोलियां। ये क्या करता है कि प्रोलिफ्रेशन वायरस की जो है वो वायरस की रेप्लिकेशन को अरेस्ट कर देता है, वायरस को मारता नहीं उसकी रेप्लिकेशन को अरेस्ट कर देता है, तो ये भी बहुत ही फायदेमंद और बहुत सारे लोगों में इट हैज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। एनी हाउ जो कोई पेशेंट जो है वो अच्छा, अब स्केबीज के ट्रीटमेंट में भी क्या इंपॉर्टेंट बात है, नेक से लेके नीचे तक पूरी बॉडी पे पूरे घर वाले एक ही दफा अप्लाई करें, परमेथ्रिन क्रीम अप्लाई करें 5% किसी भी ब्रांड अच्छे ब्रांड की, लेकिन उसको एक ही दफा पूरी, ये नहीं कि एक घर का जो फैमिली मेंबर है वो दूजा वाला गया हो और पीछे से सारों ने लगा ली है और 3 consecutive nights ये लगाते हैं। ठीक है, एज फार एज माई नॉलेज 3 consecutive nights लगाते हैं, बाकी ब्रांड प्रेपरेशन के प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग सारे घर वाले लगाते हैं, 3 nights कंसेक्यूटिव लगाते हैं, सारे बेड लिनन को और कपड़ों को भी उसी दिन बॉइलिंग वाटर में सोक करते हैं, धोते हैं उनको अच्छी तरह, यानी सफाई मुहिम घर में चलाते हैं और खुद अपने आप को वो लगाते हैं ट्रीटमेंट। और अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन है बंदा, तो जैसे ही वो आए उसे ट्रीट करें, या फिर उसको वापस आने पर ही सबको ट्रीट करें, कहने का मकसद ये कि कोई बाइट से दोबारा ना उसको लिया। ठीक है, तो एक ही दफा अगर 9 फैमिली मेंबर है, 10 फैमिली मेंबर है, 5 फैमिली मेंबर है, वो एक ही दफा ट्रीटमेंट करेंगे मिलकर, तो फिर ये खत्म होगा, अदरवाइज एक बंदा ट्रीटमेंट कर लेगा बाकियों को है उसको दोबारा गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्नोसिस है कैसे होना है, डॉक्टर जो है वो स्किन की स्क्रैपिंग ले सकता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करेगा, तो हमें माइट या एग देखने को मिल सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट स्किन इंफेक्शंस, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन? नो मैम। आपका सेक्शन कौन सा है? मैम सी। मैम सेक्शन सी। हमारा मुझे ए सेक्शन ने भी और बी सेक्शन ने भी एक लिस्ट भेजी थी कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल नहीं हैं। ठीक है, तो उनको मैंने एनरोल कर दिया, आपके मैंने काफी लोग एनरोल किए हैं लेकिन मुझे पता है कि फिर भी कुछ लोग रह गए होंगे, तो जो लोग रह गए हैं प्लीज मुझे एक लिस्ट बना के अपनी भेज दें ईमेल में, तो उससे फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है, अभी भी कुछ लोग रहते हैं ना जिनकी वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई? हाँ जी मैम, पता नहीं मैम, हो गई थी सबकी, अब तो आप सबकी हो गई है मैम, हमारी तो हुई भी है। अगर तो हो गई है तो इससे अच्छी खबर तो मेरे लिए हो नहीं सकती आज की तारीख में, क्योंकि काफी स्टूडेंट थे, मैंने काफी लोगों की वो की ना। अच्छा आप मुझे बताइए आपकी क्लास में मुकशफ फातिमा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि नहीं मैम, मेरा नाम जतीना है, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम हम लोगों को जिनकी एनरोल नहीं हुई भी उनको असेस ही नहीं हो रहा ना एलएमएस पे वो कोर्स। अच्छा जी बेटा, मैं यही तो कह रही हूँ कि जो लोग एलएमएस एनरोल नहीं है वो मुझे अपने सारे लोग एक ईमेल में मुझे अपने नाम और आईडी बता दें, कुछ लोगों को मैं कर रही हूँ वो नहीं हो रहे, मेरा ख्याल है क्योंकि आईडी गलत लिखी है या उनका पोर्टल ब्लॉक है, कुछ तो मैं कर रही हूँ और वो नहीं हो रहे, नो सजेशन लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल मोस्टली लोग हो गए हैं, जो रह गए हैं वो मुझे एक ही ईमेल में या डिफरेंट ईमेल में समहाउ, बेहतर ये है कि एक ईमेल में, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ,
किस तरह मुझे लोगों ने कितना अच्छा जो है वो ये लिखा, ये इस बच्चे ने मुझे कितना अच्छा डॉक्यूमेंट ये लिखा, नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम, ये तो समझ आ रही है। कार्टून सबको किया है, और इससे पहले भी मुझे ये लिस्ट मिली थी बी सेक्शन की, उनको भी मैंने किया। उसमें से फिर कुछ लोगों में, जैसे इसमें जो ये बच्ची थी सिद्रा तनवीर, इसकी आईडी जब मैं डालती हूँ सिलेक्ट करके, तो वो सजेशन लिखा हुआ था। खैर जिनका कोई प्रॉब्लम रह जाएगा उनको हम बाद में भी देख सकते हैं। एनी हाउ प्लीज आप मुझे अभी अभी जो है वो अपने ग्रुप पे ऐसी लिस्ट बना के मुझे भेज दें, ताकि जो लोग रह गए उनको हम एनरोल कर सकें, ठीक है? दूसरी बात क्या है, आपकी क्लास में मुकशफ फातिमा है नहीं है? जी मैम, जी जी मैम हूँ। आप हैं? जी। अच्छा बेटा, मैंने आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स है ना ये देखे, ये आपका यही है ना, आपकी आईडी है ना? यस मैम, यस मैम, आई हैव रिसीव्ड ऑल लेक्चर्स। बेटे मैंने आपको सारे लेक्चर मेरी बच्ची भेज दिए, इन सब को बांट दो, कर लोगे? ओके मैम, ओके। डालूंगी भी, लेकिन आपको पता है ये एलएमएस किस कदर भयानक है ना। तो एनी हाउ मैंने पिछली क्लास के साथ भी इस तरह किया था कि ईमेल के मैंने आपके ग्रुप्स बनाने की कोशिश की है, ए सेक्शन के मैंने बना ली है, अब सेक्शन तीन है और इतने सारे बच्चे हैं तो मुझे उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने आपको 16 के 16 लेक्चर मुकशफ मैंने आपको मेल कर दिए। आपने सब बच्चों को, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है? सारा सेमेस्टर आप इन सबको ये लेक्चर दिखा दीजिए, ठीक है? ओके। पांच ये भेजे हैं मैंने, फिर उसके बाद पांच ये भेजे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद पांच ये भेजे हैं, 15 हो गए, और ये 16, ठीक है? ये देखिए, ये सारे लेक्चर मुकशफ को जा चुकी है। अब आप मुझे छोड़ दें और मुकशफ जो है ना उनका ईमेल का पकड़ लें एड्रेस, ठीक है जी? सारे लेक्चर है इसमें, अभी तक हमने 1, 2, 3 पढ़े हैं। मेरा ख्याल है इन 3 में से ही मैं आपका ओरल टेस्ट 5% वेटेज का जो है वो ले लेती हूँ, क्या ख्याल है? मैम टोटल कितने लेक्चर्स हैं? टोटल 16 है। ओके, 10, 15, 16, ठीक है? ओके मैम। मुकेश आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें सेंड कर दीजिएगा, मतलब डाउन। मैम क्विज का बताइए कितने लेक्चर्स होंगे? ओके, आपको एल एम एस पे या आपका जो ईमेल का ग्रुप बनेगा हमारा उस पे मैं आपको सारी अनाउंसमेंट्स आपको भेज के इनफ टाइम दे के फिर ही मैं आपका क्लास टेस्ट लूंगी। आज जो है वो मंडे है, नेक्स्ट मंडे लीजिएगा कि अभी एनरोलमेंट के इश्यूज ही सॉल्व नहीं हुए तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओरल टेस्ट ठीक है, उसी वक्त आपके नंबर लग जाएंगे और जो है उसी वक्त आपका जी पोर्टल के ऊपर वो हो जाएगा, ठीक है? यस मैम, मोरल भी ठीक है वाइवा की तरह। मैम वेटेज कितनी होगी उसकी? ठीक है, मेरा नहीं है हफ्ते में 3 लेक्चर करना आपके लिए कुछ मुश्किल है, जबकि लेक्चर और रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद है, ठीक है? मैम और सारा ये मैंने लेक्चर तो आपको सारे भेज दिए, ये आप सब बच्चों को दो, ठीक है? और मैं आपको और एक और बच्चे को भी मैंने भेजे थे, शायद ठीक है जिन्हें मुकशफ का मुझे नाम याद रहता है, और आपको मैं सारी रिकॉर्डिंग्स भी आज ही भेज देती हूँ, ठीक है? ये आपने जो है ना एलएमएस को तो हम देखते रहेंगे, लेकिन हमारा काम ना खराब हो और हमें मटीरियल टाइम पे मिले तो
तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी टीचर ने आपको तीसरे चौथे हफ्ते में सारे के सारे लेक्चर दे दिए होंगे। एनी हाउ ये क्या हो रहा है? रात को 1 बजे मुझे मेल आई थी और मैंने कहा आपके पास अब सारा स्टडी मटेरियल आपका सी सेक्शन के पास आ चुका है। ठीक है, आ चुका है ना? ठीक है, तो आप बच्चों से सारे लेक्चर सारी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज देती हूँ। ठीक है, थैंक यू मेरा। अगले मंडे को 5% वेटेज का 5% वेटेज का अगले मंडे को आपका लेक्चर 1, 2, 3 में से ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, ओके मैम।